पूछा किसने आ रहा है भाई, पूछा किसने, पूछा किसने भाई, चल गया किचन निकल। तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो भैया तुम्हारा इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि भैया मुझे पता है कि तुम लोग से झेला नहीं जाता है 24 घंटा। तुम चाहते हो कि बस मैं वीडियो डालता रहूं हर घंटे पे। अब इसे कहते हैं सेल्फ अफेक्शन। मालूम है मेरे को तुम लोग को मेरी वीडियो देखना पसंद है, लेकिन इतना भी नहीं कि हर घंटे मांगो, हर दो घंटे पे चलेगा। अब देखो बकवास बातें करते हैं बाद। आज की गेम प्ले में क्या है खास, तो आज की गेम प्ले में भाई बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं तुमको फटाफट नहीं बता सकता, तो थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे को टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम दो तुम लोग। तो चलो शुरू करता हूँ। सबसे पहले तुमको एक मंकी फाइट देखने को मिलेगी। तुम भी कहोगे भाई साले तुम दोनों पगले करके आ रहे हो बे, या तो लटक लो या तो लड़ लो भाई, अजीब ही लेज ग्रह फाइट है वो। उसके अलावा भाई तुमको मिलेगा बुगी का गीगा चार्ड मूवमेंट, और उसके बाद बेइज्जती। लेकिन फिर उसके बाद तुमको देखने को मिलेगा सैटिस्फाइंग रिवेंज, और वो भी डबल रिवेंज। तुम भी कहोगे फारो भाई तुमसे पंगे नहीं लेना चाहिए, तो बस तुम एक गेम प्ले देखो, स्वाद तुमको आ जाएगा गारंटी। तो बुग्गी दे रहे ठीक है। अब देखो हुआ क्या था कि अपन उतरे पोचिंचो, पोचिंची का आतंक मेरी जान, अभी गन फायर जो आएगा तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी फट चुका था, तभी मैं इतनी बेकही बातें कर रहा हूँ और वॉइस ओवर में तुम्हारा दिमाग खा रहा हूँ। सॉरी गाइस, पर झेलना पड़ेगा तुमको। अब देखो चारों तरफ भयंकर फायरिंग हो रही है, मेरी आवाज भी तुमको ढंग से आ नहीं रही होगी, लेकिन हमको फुटस्टेप बड़े क्लियरली आ रहे थे। तो एक बंदा छत पे चढ़ा हुआ था जो कि बहुत सातिर बन रहा था। रुको जरा तेल निकालते भाई तुम्हारा। अब देखो हमने एक बंदा यहाँ पर चटकाया और ये बाल बाल बच गया, लेकिन जिस बंदे को मैंने अभी ठोका है ना, ये वो बिल्कुल नहीं है जिससे हमारा लफड़ा होने वाला आगे जाके। तुम बस देखते जाओ भाई, इतना खतरनाक लफड़ा होगा ना हमारा, बोले तो एकदम डेंजर। बस तुम देखते जाओ और वेट करो, क्योंकि वो लफड़ा दिखाने से पहले मेरे को पोचिंग की साफ करना पड़ेगा, क्योंकि जिन बंदों से हमारी कहा सुनी होनी है, काली गलौज होनी है, लड़ाई झगड़ा होना है, वो भी पोचिंग की में ही है, बट कहीं और भी चाहिए। बंदों की ठुकाई वो भी कर रहे, हम भी कर रहे, तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही ना, फिर बताएंगे किसमें कितना पानी। अब देखो बंदर वाली फाइट आ चुकी है ठीक है। तो पहला जो मूवमेंट था ना वो अब तुम देखने वाले हो। हुआ ये कि थ्री स्टोरी में एक बंदा था, अबे चल गया रे, मैं कूद के अंदर गया, वो कूद के बाहर आया, फिर वो कूद के अंदर आया, तो मैं कूद के बाहर गया, फिर वो पता नहीं कैसे लिच पे ही रुक गया और मैंने हवा में नॉक कर दिया। व्हाट द हेल नवाब भाई, मजे आ गए लेकिन तुमसे फाइट लेने में। अब देखो यहाँ पर मैंने एक और नॉक निकाला और तभी मेरे को दूर से आता हुआ कोई बंदा दिखाई दिया, बहुत दूर भाई बहुत दूर। लेकिन तुम्हारा भाई तो सिर्फ हेड्स बजाता है, तो वो बंदा था वो था मेरे को पता नहीं, मुझे इतना पता है कि उसका किल मेरी जेब में आने वाला है। लेकिन यहाँ पर कुछ बंदे थे, एक को तो बुग्गी ने फिनिश कर दिया, तो मेरे को मेरी किल मिल गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं यहाँ और बंदे नहीं, यहाँ काफी सारे बंदे और कैंपर्स भी हैं, और कैंपर तो बहुत ही खतरनाक तुमको दिखने वाला है। तुम भी कहोगे यार फारो भाई मैंने तो कभी इस तरह की कैंपिंग नहीं करी जैसे ये बंदा कर रहा है। अब वो कैंपर ये बंदा नहीं था, ये तो बेचारा किस्मत का मारा जिसके पीछे फारो को बुग्गी पड़ गए थे। तो अब ये करता भी तो करता क्या, सीरी होल्ड कर रहा था ग्रेनेड पट्टा, अभी फिलहाल मेरे दोस्तों के पास है। अब देखो यहाँ पर आने वाला है एक कैंपर ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं बताऊंगा नहीं कैंपर कहाँ पर है, तुम गेस करो ठीक है कहाँ पर है, देखता हूँ कमेंट सेक्शन में कौन कौन सही गेस करता है। अब हुआ ये कि मेरे को फुटस्टेप आए थे ठीक है, फायरिंग भी हुई थी, अपन चेक करने गए, बट ये नॉक पड़ा हुआ था पहले से। अब इसका किल मेरे को नहीं मिला, तो बुग्गी को मिलना चाहिए था, बुग्गी कह रहा बुग्गी को भी नहीं मिला। मैंने कहा अरे ये कैसे हो सकता है यार, मतलब किसी को तो किल मिलना चाहिए इसका, पता नहीं क्या चक्कर था ये। और तभी ये भाई साहब, अभी मैं कितनी देर से लूट रहा था वहां पर भाई, हद खत्म कर रखी इन लोगों ने। अब वो तो फिनिश हो गया अपने आप, मैंने बुग्गी को रिवाइव दिया, उसके बाद हम लोग आए थे गाड़ी पे कब्जा करने, बट भाई यहाँ पर हमारे किल्स पे ही कब्जा हो गया। तुम बस देखते जाओ भाई, मेरे साथ बहुत गलत हुआ इधर। अब यहाँ पर बुग्गी ने बोला उसको देखो, तो मैंने बुग्गी को देखा,
फिर मेरे को दिखाई दिया ये, मैंने क्या ना, अबे साले ने मेरी आंखों के सामने से किल चुरा लिया, अबे पीक भी नहीं दिया इसने पता है। अब मैं काफी देर इसका वेट करा, जब इसने पीक नहीं दी तो हमने डिसाइड करा कि हम गाड़ी लेके क्यों ना रोटेट करें उस तरफ और फिर हमको किल मिल जाए क्योंकि चर्च पे भी बंदे हैं। अब हमने ज्यादा सोच समझ के डिसीजन तो लिया नहीं था ठीक है, क्योंकि हमको पुश करना था, मेरी किल अभी भी चोरी हुई थी भाई, दुख हुआ था मेरे को। वेल भाई क्या कर रहे थे तुम, हेलो क्या फूक क्या है हो, मेरे को बताओ मुझे भी फूकना है। अब देखो हुआ गया कि हम सामने से नहीं गए, हमको पता था चर्च और थ्री स्टोरी दोनों बंद है, हम गाड़ी लेके गए दोनों मिल के मारेंगे, वो बाद में मरेंगे पहले हम मर जाएंगे। तुमने क्या फ्लाइंग, और फ्लाइंग के चक्कर में ये भाई साहब मिल गए। तो चलते फिरते नाश्ता पानी हो गया हमारा, अब हमारा मेन टारगेट था चर्च पे पीछे से हमला का, बोले तो एकदम पिच्छू जैसा हमला करने का ना मामू, सामने वाले का भेजा फ्राई और पॉइंट गीली हो जा भाई। अब यहाँ पर मेरे को बोर्ड दिखा, बोर्ड को मैंने टोटली इग्नोर करा भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर बंदे थे और मेरे को बोर्ड से बंदा नहीं लेना था। और तो भी भाई ये दिखा तुमको, नहीं दिखा अभी दिखेगा भाई, कसम से ये बोर्ड मरवा देता। अब देखो मैंने एक नॉक निकाला था, अभी ये देखो फुल कैंपिंग। अब यहाँ पर मैंने अपने दोनों से कंफर्म कर लिया, बॉट का किल किसको मिला मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन अब देखो हम ओपन में, चर्च क्लियर है ऐसा मेरे को लगा, बट मैं गलत हूँ इधर, और यहीं से शुरू हुआ हमारा लफड़ा। बस तुम देखते जाओ, ऊपर बंदा दिखाई दिया, दिखा मेरे को तो दिखा, वो UMP चला रहा था, तभी बंदे आए, हमें लड़ ही रहा था, ये हवा से मेरे को नॉक कर दिया क्योंकि UMP थी 100% एक्यूरेट, लेकिन जरा नाम पढ़ लो ठीक है, वो हमको मारा था, बदला लेना हमारा फर्ज था, और तुमको पता है छोटा मोटा बदला तो हम लेते नहीं है, साले हमको मारा हम तुमको 1v4 करेंगे, खदेर के मारेंगे, चिरकुटो रुको जरा। एक गया, तीन और बाकी, एक और गया, दो और बाकी, एक और गया, टॉक्सिक वाला बंदा बाकी, उसकी रिस्पेक्ट कर ले, मरा है वो अभी भी, दुख हुआ है बेचारे को, अभी उसको बदला चाहिए। अब देखो किल फील्ड में लौटे का नाम चल तो रहा था, ऊंची से बंदे मार रहा था, और सच बताऊं उनसे स्ट्रांग है वो लोग, पूछो क्यों, एक तो चार बंदे हैं, दूसरा उनके हाथ लग गया है कोई प्लेयर ड्रॉप, अभी तुमको आगे पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। फिलहाल वो हमारे आसपास है नहीं, लेकिन मैं हेलमेट हेलमेट बुग्गी से ले लिया क्योंकि बदला तो मेरे को ही लेना था, मैंने बुग्गी से बोल दिया था देख तेरा लफड़ा तेरा हुआ है ठीक है, उसने मेरे को गाली नहीं दिया, मेरा पक्ष क्लियर है, लेकिन तेरा बदला मैं ही लेगा क्योंकि मुझे किल चाहिए। वो कह रहा है ठीक है भाई ये भी कर लो आप। अब यहाँ पर मैंने एक राउंड निकाला, बुग्गी ने किसी को फिनिश करा और किसी को मारा, मेरा किल फिनिश हो गया, काम हो गया, मुझे मेरा किल मिल गया, बुग्गी को एक और किल मिल गया। अब इस गेम प्ले में भाई बुग्गी ने भी 12-13 किल कर रखे हैं, तो मतलब भाई बहुत किल मारे हमने इस मैच, लेकिन उसके बाद हम लोग निकले बाहर। एक बात बताओ भाई, ये दो बंदे थे पता है, और एक के पास MG3 थी भाई, कैसे तुम बग्गी वाले को कैसे नहीं मार पाए, बस जो भी हो अच्छा है हमारे लिए, अब हमको मिल गई MG3, अब तो आग मुतेंगे हम चौतरफा। उसके बाद हम लोग आए यासनाया, और यासनाया में क्यों भाग रहे बंदे ओपन में, अबे चल क्या रहा है बे, इधर बूंदी बट रही है क्या, लूट रहे ओपन में आके, भैया पबजी है ये, BGMI ऐसे नहीं खेलते, ओपन में नहीं आते,
कितनी बार बताया हूं मैं कि ओपन में सोच और ओपन में फाइट दोनों नहीं करते, बट लोग सुनते ही नहीं है। वेल ये किल पे बुकी ले गया था, अभी मेरे को ये किल मिला। अब देखो सामने बताए बहुत लोग रहे, मॉली डालने जा रहा था लेकिन तभी पीछे से फायर होने लगा, तो मैंने जल्दबाजी मॉली अपने ऊपर ही डाल दिया। साला पबजी बिजमाई खेले खेले बाल काले से नीले हो गए, लेकिन नूब का नूब ही हूं मैं, थोड़े पैसे फेंकने नहीं आते मेरे को, क्या फायदा भाई। वेल जो भी हो, मैंने एक मॉली डाला फिर एक और मॉली डाला और तभी चली ग्रोजा। मैं समझ गया ऊपर वाले की फटी है, अब इसको बचाएगा कौन? एक मिनट, इसके पास तो एक ही थी ग्रोजा, बुग्गी ने चलाई थी क्या भाई? फिर गया मेरा दिमाग। वेल जो भी हो, मेरे को एक और किल मिला। अब गेम ऑलमोस्ट जेब में था, लेकिन अगर तुम लोग भूल रहे हो लफड़ा तो अभी बाकी है मेरी जान। एक बार उन्होंने हमको मारा था, एक बार हमने उनको 1v4 करा था, तो मतलब अभी बराबरी पे चल रहा था मामला। अब फाइट बराबरी पे खत्म हो जाए तो मजा कहाँ आता है, तो अभी बाकी थी ठुकाई। अब देखो सामने बच रहे हैं तीन बंदे, एक के पास AWM, दूसरे के पास MK, गिली सूट भी इन्हीं के पास है, Level 3 हेलमेट वेस्ट तो डेफिनेटली होगा ही होगा। तो मतलब तुम समझ रहे हो ओपन में फंस गया है तुम्हारा भाई, क्योंकि ये निकलने देंगे नहीं। अब मेरे को सच बताओ तो MK वाले से उतना डर नहीं था, मेरे को बस डर था तो AWM वाले से, क्योंकि बुग्गी मेरे से दूर था और ओपन में रिवाइव नहीं हो पाऊंगा मैं। अब तुम सोच रहे हो कि मैंने एक ही स्मोक क्यों करा, वो भी पेड़ पे, रिस्क लिया। अरे इसलिए ताकि मैं यहाँ से पीछे भी जा सकूं, और स्मोक कम थे तो मैं बचा रहा था, रिस्क लिया था बट काम आ गया। अब मैंने चैलेंज किया, मुझे पता था चैलेंज तो करना ही पड़ेगा। MK वाले को किया चैलेंज, चटको बेटा चटको चटको, और तुम तो वही हो। किधर है तुम्हारा टॉक्सिक चूरन? उसको भी ठोकता हूँ, रुको जरा तेल निकालता हूँ एक एक करके सबका। अब देखो बुग्गी ने बोला कि आप भी आ जाओ, मतलब उबर आ जाओ, बढ़िया एंगल है, तो मैंने उसकी बात मानी बट थोड़ा फंस गया मैं। MG3 MK AWM MG3 Level 3 हेलमेट वेस्ट और दो बंदे साथ में, ग्ली सूट भी इनके पास। अब इतना सब कुछ लेके तुम हग दो तो तुम वर्दी नहीं हो चैलेंज करने के लिए, तुम नहीं आते तो अच्छा रहता, कम से कम मेरे एक दो किल कम होते। वेल क्या ही कर सकते, भाई लोगों ने मिलके 6 किल दिए मेरे को, तो एक छोटा सा थैंक्स तो बनता ही है। तो भाई दीपक भाई थैंक यू वेरी मच। आप देखो सिर्फ एक ही बंदा बच रहा था और अनफॉर्चुनेटली वो उनकी टीम का नहीं था, ये कोई अलग था बेचारा जो अब फंस गया था। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको उस बंदे को ढूंढना था, और बींग फार ऑफ एंड बुगी हम उसको नॉर्मल तरीके से मारने की तो बिल्कुल सोचेंगे है नहीं, थोड़ा सा ट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ढूंढना था, फिर सोचना था कि उसके साथ किया गया जाए। तभी वो मेरे को दिखा और पैनिक में मैं स्प्रे करने लगा, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको बहुत लो कर दिया था और वो ओपन में था, जोन के बाहर था, तो यहाँ पर हमको सोचने का मौका मिल गया। तो मैंने निकाल लिया पैन, मुझे उसे पैन करना था, मुझे घंटा आइडिया नहीं है कि मैं उतनी दूर जाऊँगा कैसे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही है। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत डैमेज ले लिया था, गिर के मैंने हील कर लिया, फिर एक स्मोक हुआ, स्मोक किसने डाला पता नहीं है, बट बुग्गी स्मोक में ऐसे स्पैम कर रहा था, निब्बा कहीं का बजा दिया उसको। जो भी हो कहते इजी चिकन डिनर।